हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन क्लास 11 में लेशन नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में रसायन विज्ञान का कृषि में महत्व डिस्कस किया था। आज अपन मूलभूत अवधारणा के तहत तत्व परमाणु अणु की आरंभिक अवधारणा के बारे में बात करेंगे कि तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, ये कहां से आए, किन वैज्ञानिकों के बारे में बताया, ये सारी चीजें अपन यहाँ पर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, तत्व के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, तत्व के बारे में। आपको पिछली क्लास से ध्यान आया होगा कि मैंने द्रव्य के वर्गीकरण में, द्रव्य के वर्गीकरण में जो रासायनिक वर्गीकरण किया था, उसमें द्रव्य को दो भागों में बांटा था। कौन कौन सा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि द्रव्य को रासायनिक वर्गीकरण के, कौन सा बेटा, रासायनिक वर्गीकरण के तहत, रासायनिक वर्गीकरण के तहत दो भागों में बांटा था अपन ने। एक तो कहा था शुद्ध पदार्थ, इसकी बात की थी अपन ने, शुद्ध पदार्थ, और दूसरी बात की थी अपन ने मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ को अपन ने फिर कहा था कि ये आपका क्या बनाता है, तत्व और यौगिक बनाता है। याद आ गया होगा आपको। तो यहां पर तत्व एक तरह का क्या है आपका, शुद्ध पदार्थ है। क्या है, शुद्ध पदार्थ है। तो अपन कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या कह रहा हूं मैं आपको, तत्व क्या है, शुद्ध पदार्थ का वह रूप है जिसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, तत्व कहलाते हैं। और अगर बात करें अपन आवर्त सारणी के बारे में, आपने 10th क्लास में सुना होगा, वर्तमान समय में आवर्त सारणी के अनुसार कुल 120 तत्व अभी तक ज्ञात किए जा चुके हैं और बाकी पे खोज चल रही है। तो अगर बात करें तत्वों की, तो कुल कितने, 120 तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार ज्ञात किए जा चुके हैं। इसका मतलब तत्व क्या है अपने पास में, शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप है जिसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। ये बात आपकी सबकी क्लियर होगी। अब बात करते हैं अपन किसकी बेटा, परमाणु। किसकी बात करते हैं अपन, परमाणु। अब आपने किसकी बात सुनी होगी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसकी बात, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की बात आपने सुनी होगी, 10th क्लास में पढ़ा होगा। डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसके अनुसार कहा गया है कि तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है आपका, परमाणु कहलाता है। मतलब परमाणु क्या नहीं कहलाता, विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। क्लियर। तो तत्व का वह सूक्ष्मतम छोटा रूप जिसे और अधिक विभाजित नहीं कह सकता, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। किसके अनुसार, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। परंतु इस परिभाषा का खंडन किया गया जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की जा चुकी थी। तो फिर कौन सा सिद्धांत आया आपका, आधुनिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आया बेटा, आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। कौन सा, परमाणु सिद्धांत। किसका, डाल्टन। आधुनिक सिद्धांत किसका, डाल्टन का, जिसके अनुसार उसने कहा कि
आपका जो परमाणु है वह सूक्ष्मतम रूप है, परंतु यह वह रूप होता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं हो सकता। क्या कहना चाह रहा है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं हो सकता, और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। इसके अनुसार इसको परमाणु को अगर अपन परिभाषित करें तो अपन कह रहा है कि वह सूक्ष्मतम रूप, बात वही है, सूक्ष्मतम रूप जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, भाग लेता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है या नहीं, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है या नहीं, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इन तत्वों के परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, O2 बना लेते हैं, N2 बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं। परंतु अपन बात करें हीलियम की, नियोन की, आर्गन की, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इसलिए कहा जाता है कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं हो सकता। तो इनका तो नहीं होता है, परंतु हीलियम, नियोन, आर्गन का अस्तित्व होता है। कभी भी आपका HE2 नहीं बनता, NE2 नहीं बनता, AR2 नहीं बनता। तो इस तरह से ये परमाणु की परिभाषा होगी। क्लियर बेटा? अब यहां से अपन बात करते हैं किसकी, अणु की। इसकी बात करेंगे अपन, अणु की बात करेंगे। अब यहां पर जो आधुनिक अवधारणा है उसके अनुसार किसी पदार्थ का वह रूप जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित, इसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, अणु की बात कर रहा हूं, बात करते हैं किसकी, अणु। तो अणु किससे मिलकर बनेगा, सबसे पहले बात तो परमाणु से मिलकर बनेगा, किससे मिलकर बनेगा आपका, परमाणु से मिलकर बनेगा। परंतु अपन कहेंगे कि किसी पदार्थ का वह रूप, सब कुछ पदार्थ में चल रहा है आपका, किसी पदार्थ का वह रूप जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में भाग लेते हैं या क्रिया करते हैं, तो जिसका निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, अपन अणु कहलाता है। दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में भाग लेते हैं और जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, अपन अणु कहलाता है, अणु कहते हैं। और अणु को ही क्या कहा जाता है, यौगिक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यौगिक भी कहा जाता है। अणु किससे मिलके बना आपका, परमाणु से मिलके बना, दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में भाग लेते हैं जिससे प्राप्त होने वाला उत्पाद क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, और अणु को ही क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्लियर बेटा? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन ने तत्व की परिभाषा की बात की, परमाणु की परिभाषा की बात की, फिर अणु की परिभाषा की बात की, जिसके बारे में अपन ने इस क्लास में डिस्कस किया। क्लियर? अब बात करते हैं अणु दो प्रकार के होते हैं। किसकी बात करूं मैं, अणु दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, समांगी अणु और विषमांगी अणु। किसकी बात करते हैं अपन, समांगी अणु और विषमांगी अणु। देखो इधर, अणु यहां पर अपने पास में दो प्रकार के होंगे, एक तो होंगे आपके समांगी अणु, क्लियर, और दूसरे होंगे आपके विषमांगी अणु, विषमांगी अणु। ये बात क्लियर है? तो समांगी अणु में क्या होंगे, समान प्रकार के अणु होंगे,
समान प्रकार के अणु होंगे। क्लियर, सॉरी, समान प्रकार के परमाणु होंगे, समान प्रकार के परमाणु होंगे। और विषमांगी में क्या होगा बेटा? भिन्न परमाणु। क्या होंगे? भिन्न परमाणु भाग लेंगे। क्या करेंगे? भिन्न परमाणु भाग लेंगे। जैसे उदाहरण की बात करें अपन, यहां पर ये O2 अणु हो गया, N2 अणु हो गया, H2 अणु हो गया, Cl2 अणु हो गया, Br2 अणु हो गया, O3 अणु हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया। क्लियर, ये सारे क्या है? आपके समांगी अणु है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का परमाणु है। यहाँ दो ऑक्सीजन है, दो नाइट्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, दो ब्रोमीन है, तीन ऑक्सीजन है, चार फॉस्फोरस है, आठ आपके क्या है? सल्फर है। ये सारे क्या है? द्विपरमाणु। ये क्या है? त्रिपरमाणु। ये क्या है? बहुपरमाणु। क्लियर, अब बात करते हैं किसकी? विषमांगी की। विषमांगी में कौन से आ गए? जैसे आपका HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, CS4 हो गया, ठीक है, आपका NO2 हो गया। ये सारे क्या है? आपके विषमांगी अणु है। क्लियर, यहां पर अपन एक अपवाद स्वरूप बात करते हैं किसकी? हीलियम, नियोन और आर्गन, ये आपके समांगी अणुओं के रूप में एकाणु कणु कौन से, या एक परमाणु कणु, परमाणुक अणु, एक परमाणु अणु के रूप में गिने जाते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन क्या होते हैं? एक परमाणु। कभी भी अणु में एक परमाणु नहीं होता, परंतु ये अपवाद स्वरूप है, इनको एक परमाणु अणु कहा जाता है, क्योंकि इनके मध्य क्या पाए जाते हैं? वैन डर वाल बंध पाए जाते हैं। क्लियर, तो ये आपके अणु की परिभाषा और अणु के प्रकार होते हैं। क्लियर, अब यहां तक कि मैं आपको मैंने तत्व, परमाणु, अणु के बारे में जो आरंभिक अवधारणा थी, मतलब प्रारंभिक परिचय था, परिभाषा के रूप में, उदाहरण के रूप में, वो सारा आपका क्लियर कर दिया है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि अणु को क्या कहा गया है? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो यौगिक का निर्माण कैसे होता है, इसकी बात करेंगे बेटा अपन। यौगिक का निर्माण कैसे होता है, अब इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यौगिक के निर्माण, ध्यान से सुनेगा, यौगिक के निर्माण में जो भाग लेते हैं वो कौन कौन भाग लेते हैं? एक तो धनायन भाग होता है। कौन सा भाग होता है? धनायन भाग होता है, जिसे क्षारीय मूलक कहा जाता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं? क्षारीय मूलक। एक होता है आपका ऋणायन भाग। कौन सा भाग होता है बेटा? ऋणायन भाग होता है, जिसको कहा जाता है अम्लीय मूलक। क्या बोलते हैं? अम्लीय मूलक। तो ध्यान दीजिए बेटा, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने से, ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या बनता है? धनायन बनता है। क्या बनता है? धनायन, जैसे A प्लस बन गया। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, ग्रहण करने से क्या बनता है? ऋणायन बनता है। क्या बनता है? ऋणायन बनता है, जैसे आपको क्या बन गया? P माइनस। इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या बनाता है वो? जैसे कोई भी A परमाणु है, A परमाणु क्या किया? इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो क्या बनाएगा? A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर, कोई भी बी परमाणु है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो क्या बनाएगा? ये बी माइनस। तो ये हमेशा आपको याद रखनी है चीज, कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने से वो धनायन में परिवर्तित हो जाता है, जिसको क्षारीय मूलक भी कहा जाता है, और किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से वो ऋणायन बनाता है, जिसे अम्लीय मूलक भी कहते हैं। तो यहां पर धनायन और ऋणायन भाग किस तरह से यौगिक का निर्माण करते हैं, उसमें देखिए आप, जैसे आपके पास में कोई भी A प्लस एक्स, एक्स यहाँ पर इसका आवेश हो गया, प्लस वन प्लस दो प्लस तीन, और यहाँ पर B माइनस वाई, इसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, B माइनस वाई,
ये दोनों क्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनके जो आवेश है बिना चिन्ह के, ध्यान देना बेटा, इनके जो आवेश की संख्या है वो बिना चिन्ह के प्लस और माइनस के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कैसे हैं? ए के पास तो कौन आ जाएगा वाई और बी के पास कौन आ जाएगा एक्स। ए के पास कौन आ जाएगा वाई और बी के पास कौन आ जाएगा एक्स। तो यहां पर ये जो आवेश की संख्या है प्लस और माइनस ये ए की तो चली जाएगी बी के पास और बी की आ जाएगी ए के पास। तो अपने पास में क्या बन गया ए वाई बी एक्स बन गया। क्या बन गया ए वाई बी एक्स। अगर आवश्यकता है, आवश्यकता होने पर क्या करेंगे, सरल रूप में, सरल अनुपात में, सरल अनुपात में परिवर्तित करेंगे और अपने पास तो बन जाएगा ए एक्स बी वाई। जैसे उदाहरण बताऊं मैं आपको, अपने पास ए टू बी टू बन गया। क्या बन गया ए टू बी टू, जिसको अपन क्या लिखेंगे ए बी लिखेंगे। ए टू बी फोर बन गया, उसको क्या लिखेंगे अपन ए बी टू लिखेंगे। इसको बोलते हैं सरल अनुपात। क्लियर? तो धनायन में आपका कोई a प्लस एक्स है, ऋणायन में कोई b माइनस वाई है, प्लस x यहाँ पर आवेश की संख्या है, माइनस y यहाँ पर आवेश की संख्या है ऋणायन में। अब यहाँ पर जब क्रिया करेंगे तो इसका आवेश यहाँ जाएगा, इसका आवेश यहाँ जाएगा। आवश्यकता होने पर क्या होगा, सरल अनुपात में इसको परिवर्तित करेंगे। और यहाँ पर सरल अनुपात का मतलब क्या हुआ, ए टू बी टू, तो इसका हो गया सरल अनुपात ए बी। ए टू बी फोर, सरल अनुपात हो गया आपका ए बी टू, उसको बोलते हैं सरल अनुपात। तो अपने पास बन जाएगा ए एक्स बी वाई। क्या बन जाएगा ए एक्स बी वाई, नहीं बेटा यहाँ पर बनेगा अपने पास में ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। क्या बनेगा बेटा ए वाई बी एक्स। इस तरह से यौगिक का निर्माण होता है। अब इसकी डिटेल अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में जो भी अपन ने डिस्कस किया समझ में आया होगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।